भैया आज हमारे साथ हैं वायरल भाभी। आप तो टकली हो गई थी। नहीं यार, अरे इंटरनेट पे तो आपकी ये वीडियो वायरल थी, हमने तो सोचा आप टकली हो गई। आज आपके बाल भी हैं। ये जो वीडियो वायरल हुई थी वो क्या थी? वो फेक वीडियो थी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। वो हमारी वीडियो नहीं थी, वो वहाँ की थी, बिहार की वीडियो थी। अच्छा, बिहार की वीडियो थी। तो नमस्कार दोस्तों, YouTube वाले बाबा आज आए हुए हैं वायरल भाभी के पास। हमारे साथ आए हुए थे पंकज भाई, तो उनका वीडियो देखा, वो काफी अच्छे वीडियो चल रहे थे, देखा कि ये भी हैं जो वायरल हुई, हमारे इलाके की हैं, तो हमने सोचा चलिए मिलते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं कि अचानक से सोशल मीडिया किसको कहाँ पहुंचा देता है, तो वही आज हम बात करेंगे। तो आपका प्री नेम क्या है ये थोड़ा बताइएगा। नाम वैशाली यादव है। वैशाली यादव जी हैं। अच्छा, चैनल भी आपने बनाया यूट्यूब पे? हाँ, मेरे चैनल का नाम है वैशाली यदुवंशी ऑफिशियल। वैशाली यदुवंशी ऑफिशियल। कितने सब्सक्राइबर हैं अभी आपके? 65,000। सिर्फ 65,000 है? सिर्फ रील्स ही बनाती हैं? नहीं, ब्लॉग भी डाले, अभी स्टार्ट किया है हमने। अच्छा आपने, लेकिन जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी, क्लिप जो वायरल हुई थी, मुझे लगता है 10 से 20 सेकंड की रही होगी, है ना, उसमें और अब में, आप में अभी इस टाइम में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज्यादा, क्योंकि तब शादी अच्छा हुई थी ना, तो शादी के 5-6 दिन हुए थे। अच्छा, शादी के 5-6 दिन हुए थे। हाँ। जब आपकी वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है, मैं जो पूछूं आप उसका सही से जवाब दीजिए। जब आपकी वीडियो वायरल हुई थी तो फर्स्ट टाइम जब आपको पता चला था तो क्या रिएक्शन था आपका? मुझे गुस्सा आ रही थी। गुस्सा आ रही थी, कितना गुस्सा आया था? फिर मैंने कम से कम 5-6 दिन से मैं घर में, मतलब मन से तो किसी से बोली नहीं मैं, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि बता नहीं सकती, क्योंकि शादी के 5-6 दिन हुए हैं और ये मेरी वीडियो वायरल हो गई। घर वाले क्या सोचते होंगे, इसकी वजह से मैं ज्यादा अच्छा, बात ही नहीं की। तो फिर आपके परिवार में भी, आपके हस्बैंड ने भी कुछ ऐसा कुछ बोला? क्योंकि भाई गांव से, उनकी सोच कैसी है अभी, पहले कैसी थी और इस टाइम कैसी है? पहले से बहुत सही है। बहुत सही है। हाँ। आप सपोर्ट कर रहे हैं? आपको फुल सपोर्ट करते हैं। आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे? आप बीच में 3 महीने गायब हो गई थी। 3-4 महीने तो मेरी शादी को ही हुआ। बीच में गायब भी तो हुई थी शायद। हाँ। आप सोशल मीडिया में थी ही नहीं, अचानक से आपकी वीडियो में देखता हूँ, क्या नाम है, शिवानी जी के साथ देखा मैंने, है ना, कुछ वीडियोस पंकज भाई साहब ने बनाया, तब कुछ वीडियोस सामने आई, अचानक से फिर से आप वायरल होने लगी, तो आप एक छोटी सी वीडियो ने आपकी लाइफ बदल दी। पहले आपको गुस्सा आया, अब क्या गुस्सा नहीं आता? हम नहीं आता है लेकिन वो वीडियो देखने तो आ जाता है। अच्छा, वो वीडियो देखने से आपको गुस्सा आ जाता है? देखिए भैया, मैं वीडियो देखती नहीं हूँ अभी। अच्छा, मैंने 4 महीने हो गए वायरल हुए, मैंने अपनी वीडियो गौर से नहीं देखी, ध्यान से नहीं देखी ये वीडियो, गुस्सा आता है। हाँ। इस वीडियो बनने में तो गुस्सा नहीं आ रहा ना? नहीं, वो तो डेली का, बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और पता है, ये जो आपको किस्मत मिली है, ये जो आपको टाइम अभी आपके जो ऊपर चल रहा है, जो आप लकी बनी है ना सोशल मीडिया में, ये गोल्डन चांस है, हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ लाखों करोड़ों लोग आज सोशल मीडिया में हमको देखते हैं, सीखते हैं कि हम किस तरीके से वायरल हों, काम करें। और आपको रातों रात एक छोटी सी वीडियो गई, क्या आप जो कैमरा मैन था उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जिसने वो फोकस किया था जूम करके? इतना ही कहना चाहेंगे, शायद मेरी किस्मत थी तो वो आपके लिए उस वक्त भगवान बन गया। बिल्कुल कि हाँ, वही चीज, उसका वो क्लिप शूट करना, मैं उनके इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए भाई साहब, अगर आप देख रहे हैं ना, देखिए भाभी जी, गुस्सा तो इनको बहुत आया था, लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद दे रही है कि आपने वो ऐसा मोमेंट आपने किया जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया में चर्चित है। और कितने लोग आज आपसे मिलने आते हैं? आज कम से कम 30 से 40 लोग आ जाते हैं। 30 से 40 लोग आज डेली आते हैं, आज YouTube वाले बाबा खुद पहुंच गए। लोग हमारे पास मिलने आते हैं, आज हम खुद इनके पास आए, ठीक है। अब मैं आपसे ये एक चीज जानना चाहता हूँ, जो आपका चैनल बना है, आपको पता है कि YouTube से पैसा मिलता है? मेरा मोनेटाइज भी हो गया। अच्छा, चैनल मोनेटाइज हो गया? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और डॉलर बनने लगा आपका। हाँ। डॉलर वाला सिंबल जो है आ गया। हाँ। कितने दिन में आपका चैनल मोनेटाइज हुआ था? मेरे मतलब अभी कॉपीराइट मार दिया था बीच में। किसने कॉपीराइट मार दिया ये मुझे नहीं कंफर्म पता है, किसने मारा है, कॉपीराइट में मार दिया। देख रहे हो, सोशल मीडिया में अगर कोई वायरल होता है तो जो फेक लोग होते हैं सीएमएस का यूज करके गलत तरीके से, भैया एक एक नहीं, तीन तीन मारे, तीन तीन कॉपीराइट स्ट्राइक मारा, कॉपीराइट स्ट्राइक। वहाँ भाई, मतलब आपके चैनल को टर्मिनेट करने की कोशिश की गई। हाँ, लेकिन 7 दिन में डिलीट हो जाएगा। हाँ, वो फर्जी थे, फर्जी ही होते हैं। हाँ, फर्जी ही तरीके से आपसे पैसे की डिमांड की जाती है,
जब आप वायरल होते हैं, लेकिन वो लेट हो रहा था फिर पैसे ले दे के फिर वो किया। तो आज अभी कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि अर्निंग की जाती है, आगे आपका क्या करने का ज्यादा है ये बताइए। आगे सोशल मीडिया पे रहेंगे। सोशल मीडिया पे कौन सा सोशल मीडिया? अभी आप तो रील्स ही बना रही है टिकटॉक, वो उसमें इंस्टाग्राम पे? नहीं, मेरे चैनल पे भी दो चार ब्लॉग डले हुए। अच्छा, हाँ मैंने देखा आपके, आप देख सकते हैं इनके चैनल पे कुछ, लेकिन आप रेगुलर काम नहीं कर रही हैं इसमें, ऐसा क्यों? थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा और थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही है, तो आगे से आप लोग फेसबुक पे आप काम कर रहे हैं? फेसबुक पे हाँ, अभी पेज बनाया है हमारा। अभी पेज बनाया है और आपका ही यूज करके कितने लोगों ने वीडियोस बना के पैसे कमा लिए होंगे। हाँ। आपके नाम का फेक पेज बना दिया होगा शायद। बिल्कुल बना है, बना है, वही तो वायरल भाभी भी दूना। तो वही चीज आपने गलती की ना यहाँ पर, देखिए समस्या यही पर है। आपका इस्तेमाल करके अभी आरिफ सारस वायरल हुआ था पता है, उसका ही यूज करके फेसबुक पेज बना के उस बंदे ने कितने पैसे कमा लिए, क्योंकि आप जैसे इधर अपलोड करोगे आपके तुरंत वीडियो डाउनलोड करके आप फेसबुक में डाल के डाउनलोड करके वायरल करा देगा। पहले अब समझिए आप, तो अब आपको क्या करना है पता, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी वीडियो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, उसका अनओरिजिनल कंटेंट में भी चैनल जो फेसबुक पेज है या फिर यूट्यूब चैनल है वो डिमोटाइज हो जाएगा। ऐसा करिए हाँ, जब आप अब जैसे कि आप फेसबुक यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया आपने ब्लॉग, ठीक है, अब क्या करिए सबसे पहले उसको आप फेसबुक पे अपलोड करिए। हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, फेसबुक पे डालना भूल जाते हैं। पहले फेसबुक पर डाल दीजिए, इसके बाद यूट्यूब पर डाल दीजिए, समझ रहे हैं आप, पहले फेसबुक पर इसके बाद यूट्यूब पर। तो इससे क्या होगा कि फेसबुक, अगर आपका कोई वीडियो डाउनलोड करके फेसबुक से पैसा कमाना चाहेगा, जो फेक पेज बना हुआ है अगर वो कमाना चाहेगा, तो फिर वो उसका पेज डिमोटाइज कर दिया जाएगा। फेसबुक क्या होता है, एक पॉलिसी होती है अनओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, उसके तहत उसका पेज इन स्टीमेट के तहत डिमोटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपको करना है, काम कौन करता है ये? हमारे जो मैनेजर हैं वो भी आ रहे हैं। अच्छा, मैनेजर भी हैं आपके चैनल के? हाँ। तो ये चीजें आप मैनेज करिए। नहीं वो मतलब, चलिए ठीक है मैं, अच्छा कंटिन्यू, लेकिन क्या है कि चैनल पे कंटिन्यू काम करिए, ठीक है। तो भैया सोशल मीडिया की पावर देखा आपने कि यूट्यूब वाले बाबा खुद आ गए यहाँ, समझ रहे हैं आप लोग, हमको बुलाना, आप लोग हमसे मिलने की इच्छा करते हैं, हम बहुत किस्मत बात, समझ रहे हैं, लेकिन देखिए ये बाबा खुद खींचे चले आए, ये सोशल मीडिया की पावर। आज इनके फैमिली वाले इनको सपोर्ट करते हैं। अभी एक रिसेंट में एक न्यूज निकली है बिहार की है, वहां एक मुस्लिम महिला है और वो वीडियो रील्स बनाती है और मोहल्ले वालों ने कितना बदतमीजी से उस मुस्लिम महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश की, उसको वीडियो बनाने से मना किया जाता है, उसके मोहल्ले वाले वो कहते हैं कि हमारे कौम को तुम बर्बाद कर रहे हो, और न्यूज भी चल रही है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं लिया जा रहा पुलिस की तरफ से। मतलब वहां पर देखिए कि उनके परिवार वाले या फिर आसपास के पास पड़ोसी जो होते हैं वो जलने लगते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उनको पता है सोशल मीडिया में क्या पावर है, उसके बाद से कहां पहुंच सकता। आज कितने लोगों को आपने देखा होगा सोशल मीडिया से कहां पहुंच गया। तो आप रेगुलर काम करते रहिएगा, और कुछ हमारी ऑडियंस के बारे में बोलना चाहेंगे? मैडम्स का, मैडम के पास आकर बहुत सारी रील्स हमने देखी, भाई साहब कितने मिलियन मिलियन व्यूज हैं आपके रील्स में। भैया वो आप लोग जैसे अभी तक प्यार देते रहे हैं वही आगे बरकरार रखें, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। और भैया कभी, अच्छा यूट्यूब से कितना कमाना चाहती हैं आप महीने का? कुछ तो एमो ना भाई, हम तो सोशल मीडिया वायरल हो गए हैं भाई, हम तो वायरल नहीं थे, हम तो मेहनत कर करके काम कर करके अपने अपनी वैल्यू बनाई, आप अचानक रातों रात वायरल हो, देखिए एक एक आप एडवांटेज भी इसका डिसएडवांटेज भी याद रखिएगा। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जहां से आप उठते तो बहुत तेजी से लेकिन गिरते भी बहुत तेजी से, ठीक है, तो उस चीज को मेंटेन करना आपको है, इसको कंटिन्यू अगर मेंटेन करेंगे तो आप हमेशा स्टेबल रहेंगे, वरना अगर एक गलती या फिर आपने मेंटेन नहीं किया, आपने रेगुलर काम नहीं किया, तो फिर वो चीजें डाउन होती हैं, फिर धीरे धीरे आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन होने लगती है। आज आपके पास लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग कम होंगे, इससे घबराना नहीं है, समझ रहे नहीं है, बुरा मत मानिएगा, देखिए ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आज आपके पास लोग आ रहे हैं धीरे धीरे कम होंगे, तो ऐसा मतलब आप एकदम कभी मत सोचिएगा यार अब लोग मिलने नहीं है, आपको अपना काम करना है, ठीक है। अब आपको एक फेम मिल चुका है, एक नाम मिल चुका है, एक वायरल भाभी का नाम जो टैग लग चुका है ना, ये बहुत जरूरी था, जो कि आपकी जिंदगी बदल चुका है, अब ऐसे लाखों महीने कमा सकते हैं, चाहे आप फेसबुक पे काम करिए, चाहे आप यूट्यूब पे काम करिए। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इनके पास मिलने भी आए, बहुत सारे लोगों के वीडियोस भी वायरल हुई, बहुत सारे लोगों के चैनल भी चले, है ना, आज चले कल भी चले,
आगे और चलते रहे, हम तो यही चाहते हैं। और डे बाय डे कोई ना कोई वायरल होता है इंटरनेट पे, ठीक है, लेकिन उस इस अपने समय का, इस कीमती समय का इस्तेमाल करके बस वो अपने आप को मेंटेन रखे उस पोजीशन पे, बस यही कहना चाहेंगे। बाकी आप लोग भी अगर इच्छुक हैं भैया तो इंटरनेट में आइए, पैसा तो है, नाम भी है, और जितना आप पैसा सोचे भी ही नहीं हो तो उससे ज्यादा कमा सकते हैं, बस यही बोलना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फाइनली आप जान गए वायरल वाली कौन है, कहाँ से, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा, देखिए ये यूपी से हैं ये भी बता दे रहा हूँ, लेकिन अब हर जगह नहीं बताऊंगा, बाबा जी पूछेंगे एड्रेस कहाँ, बाबा जी बताइए, ठीक है ना, यूपी। तो वैशाली जी आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भैया मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी, आप लोगों को अगर ऑनलाइन पैसा कमाना है तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भैया को सपोर्ट कीजिए, जितना हमें प्यार देते हैं, जितना सब सबको प्यार देते हैं उतना भैया। हमें पता है सभी लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग इच्छुक हों वही लोग आइएगा, हमारे पास टाइम पास मत करिएगा वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये भी बता दे रहे हैं। रगड़ते रह जाओगे, वीडियो बनाते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। जो सीरियस हो कि हाँ वाकई में आपको भी ऑनलाइन इंटरनेट से पैसे कमाने सीखना है, आगे कुछ करना है, तो ही आप हमसे जुड़िएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।